आज उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, एक निर्णय ऐसा दिया है जिससे बीजेपी की राजनीतिक तमाचा, कानूनी तमाचा, नैतिक तमाचा, एथिकल तमाचा, सब तरफ से बीजेपी को एक बहुत बड़ा चपत लगी है उनके व्यवहार पे। महाराष्ट्र में हर मुख्य निर्णय को निरस्त किया गया है, गवर्नर के निर्णय को क्वॉश किया गया है, स्पीकर के निर्णय को जिसके अंतर्गत एकनाथ शिंदे फैक्शन को माना गया उसको निरस्त किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कहा गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाओं का निर्णय करो। तो मेरा दावा है कि अगर स्पीकर सत्य का मार्ग लें और निर्णय करें तो उनका निर्णय एक ही हो सकता है, क्योंकि गैर कानूनी विप के आधार पर अगर आपने कुछ किया है या कानूनी विप का उल्लंघन किया है तो सिर्फ उसका डिस्क्वालिफिकेशन ही परिणाम हो सकता है। लेकिन मैं साथ साथ भविष्यवाणी करता हूँ कि इतनी सस्ती राजनीति, असंवैधानिक राजनीति पर उतर आई बीजेपी कि वो स्पीकर को आदेश देगी कि वो स्थगित करे, विलंब करे, डिले करे, निर्णय न करे, जबकि उच्चतम न्यायालय में कहा गया है जल्द से जल्द करो। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है वो राजनीतिक सवाल नहीं है। आज एपी पार्टी के नाम से वहाँ पर सत्तारूढ़ है, कल कांग्रेस हो सकती है, परसों बीजेपी भी हो सकती है सत्तारूढ़, जबकि उनकी केंद्र सरकार न हो। मुख्य बात यह है कि आपने जो स्वायत्त दिया था, स्वायत्तता दी थी दिल्ली में, जो मूल संवैधानिक एक संशोधन किया था जिससे सिर्फ एक ही ऐसी जगह है यूनियन टेरिटरी दिल्ली और कोई संवैधानिक स्टेटस वाली नहीं है, उसको आपने नगण्य कर दिया इस प्रकार की एलजी की हरकतों द्वारा। एक केंद्र सरकार जो जान पूछ कर हस्तक्षेप असंवैधानिक करती है, उस हस्तक्षेप को आज स्पष्ट रूप से कहा है उच्चतम न्यायालय ने, वो गलत है, गैरकानूनी है और तुरंत रुक जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि उनको अकल अब आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।